एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका गोयल ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? और आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और आज जाना है हमें वंश के स्कूल। ऐसा क्या कर दिया है वंश ने जो हमें वंश के स्कूल जाना पड़ रहा है? वो तो आगे एंड तक आप वीडियो देखेंगे तभी आपको पता लगेगा। और हमें जाना पड़ रहा है वंश के स्कूल अचानक ही, और इसके लिए मैं थोड़ा सा रेडी होने जा रही हूँ। पहले खाना भी बनाना है मुझे, तो मैं सोच रही थोड़ा सा चेहरे पे फेस पैक लगा के छोड़ लेती हूँ, क्योंकि जो डिटैनिंग वगैरह हो रखी है या स्पॉट्स हो रखे हैं या इंस्टेंट ग्लो चाहिए, तो इंस्टेंट ग्लो के लिए मैं एक फेस पैक आपके साथ शेयर करती हूँ कि वो अचानक अगर आपको कहीं जाना है और आपको ग्लो चाहिए तो आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं और अपने चेहरे पर लेके आ सकते हैं अच्छा सा निखार। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे और क्या मैं बनाती हूँ फेस पैक। चलिए, इस फेस पैक के लिए सबसे पहले चाहिएगा आपको बेसन। बेसन मैंने ले लिया है, वन टेबल स्पून ये बेसन लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग, और अगर आप नेक पर भी लगाना चाहते हैं हैंड्स पर, तो इसको बढ़ा सकते हैं। मैंने ये फ़िलहाल एक चम्मच लिया है। इसके बाद फर्स्ट इंग्रेडिएंट हो गया बेसन, सेकंड हो गया हल्दी, ये छोटी चम्मच हल्दी ली है मैंने। थर्ड हो गया दही, एक चम्मच दही है मेरे पास, और एक छोटा चम्मच के करीब नींबू है। जैसा कि आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर के लिए बहुत अच्छा काम करता है नींबू, तो नींबू है। एक छोटा चम्मच शहद का भी मैंने लिया है, शहद से भी बहुत इंस्टेंट ग्लो आता है। तो चलिए अब तैयार हो जाते हैं और बना के दिखाती हूँ अब मैं ये कैसे और किस तरह से बनाऊँगी। जैसा मुझे आपसे पता है जल्दी है, तो उसी हिसाब से मैं इसको फटाफट से मिक्स कर देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया नींबू, मैंने इसमें डाल दिया ये शहद, और अब मैं इसमें डाल दूँगी ये दही। बस अब हम इसको ये अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें जो लम्स हैं ये लम्स हटा देना बिल्कुल आप। और हल्दी का तो आपको पता ही है एंटीसेप्टिक का काम करता है, तो ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बना लिया है। आप चाहो तो क्वांटिटी कम भी कर सकते हो। जैसे मैंने एक बड़ा चम्मच लिया, तो सब चीज़ें छोटा चम्मच, और जो कम लिया है एक छोटा चम्मच वो उससे भी कम ले सकते हैं। तो ये मेरा पेस्ट बन के अब रेडी हो गया है। चलिए अब हम इस पैक को जो मैंने तैयार किया है उसको पूरे फेस पर लगा लेंगे, और थोड़ा सा मैं नेक पर एरिया भी। किचन का काम तो मैं करके आ गई हूँ, बट ये भी मेरा अभी तक सूखा नहीं है। जब ये सूख जाएगा अच्छे से, तो इसको पानी हल्का हल्का सा लगा के सारे में रब करूँगी। देन उसके बाद इसको टॉवल से हम पैड ड्राई कर लेंगे। बट अभी हो रही है मुझे जल्दी। हम मम्मियों के साथ ऐसे ही होता है कि हम लोग कुछ काम करने जाते हैं, तो ये चीज़ अभी मैं दूसरे काम से फ्री हुई तो अब इस काम में बिजी हो गई। और ये आ गई है मैडम ख्वाहिश, ये तो एज यूजल दुखी करती करती है। और अब मैं जा रही हूँ इसको वॉश करने के लिए, क्योंकि मेरे को सुखाने का टाइम नहीं मिल रहा और मुझे हो रहा है लेट जाने के लिए। तो
अनफॉर्चुनेटली मुझे इसे वॉश करना पड़ेगा, बट आप लोग इसको अच्छे से सूख जाए तब उसके बाद स्क्रबिंग करना फिर वॉश करना तो रिजल्ट ज़्यादा बेटर देगा। तो इतना रहने पर भी मैंने 10 मिनट्स की करीब इसको छोड़ा था और इतना ग्लो दिखाई दे रहा है, मेरे को खुद को पता लग रहा है कि हाँ इतना ग्लो। और अगर आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ोगे तो आप ज़रूर देखना कि कितना ग्लो आता है। इंस्टेंट ग्लो के लिए इट्स फैबुलस, वीक में 2 बार तो ज़रूर ट्राई करो इसको और ज़रूर यूज़ करो, देखना आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। और सारी जितने भी आइटम्स मैंने यूज़ करें सब किचन में अवेलेबल होते हैं। सो देखते हैं वंश के स्कूल में क्या होने वाला है। वंश किस लिए जा रहे हैं हम स्कूल? वंश इज सेइंग आई डोंट नो, क्यों नहीं पता वंश? व्यूअर जानना चाहते हैं वंश के स्कूल हम क्यों जा रहे हैं? क्या नहीं 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 अम्मा हाउस, ख्वाहिश को हमेशा अम्मा हाउस ही जाना होता है, है ख्वाहिश? स्कूल जा रहे हैं अम्मा। जब अभी से ये हाल है तो ये स्कूल जाके क्या करेंगी समझ नहीं आता। चलो देखते हैं फिर मिलते हैं रास्ते में, इतने तैयार हो जाती हूँ मैं। भी हो गई है रेडी जाने के लिए वंश के स्कूल, वंश इज ऑल्सो रेडी। हम लोगों को लेट हो गया है, चलते हुए कोई ना कोई कुछ ना कुछ चीज़ भूल जाता है। स्टूडेंट आईडी कार्ड मिल चुका है, पेरेंट आईडी कार्ड हमें मिला ही नहीं है, भूल चुके हैं रख के। अब देखते हैं फिंगर्स क्रॉस्ड एंट्री हो जाए, क्योंकि उनके स्कूल में पेरेंट आईडी कार्ड बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, तो देखते हैं कैसे क्या होता है। अब जल्दी चलो भाई, चलो मिला आज स्कूल में। आज हमें मिली हमारी पीटीएम रिजल्ट, पीटीएम रिजल्ट वीकली टेस्ट का मिला और वीकली टेस्ट 2 का मिला, और सेकेंडली मुझे अपनी हाफ ईयरली का भी मिला। रीडिंग प्रोग्राम की बुक्स ली हैं, तो मैं वंश का आज मिला है रिपोर्ट कार्ड। कैसा आया वंश? हाउ इज दैट? अच्छा आया। हाउ इज स्कोर? स्कोर क्या था? स्कोर आई डोंट नो। क्यों अभी देखा नहीं है? क्यों? वंश के मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, वंश गॉट A1, वंश को A1 ग्रेड मिला है। आर यू हैप्पी वंश? वंश आर यू हैप्पी? यस आई एम टू हैप्पी। मैडम ख्वाहिश, ख्वाहिश मैं आज मिल गया है वंश का रिजल्ट हाफ ईयरली का, इट्स सो गुड, अच्छा आया है वंश का रिजल्ट। तो अब हम लोग बस वंश का रिजल्ट लेके जा रहे हैं घर, है ना वंश? हाउ इज दैट? बहुत अच्छा लगा मुझे। कितने टाइम बाद स्कूल आके, है ना? सारी मैम से मिलके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो मैं आ गई हूँ, शाम हो गई है, रात ही हो गई है, और मैं आ गई हूँ मम्मी जी के पास। मम्मी जी ने बनाया है राजमा राइस, तो आज हम लोग मम्मी जी के हाथ का खाना खाएंगे। कितने सालों बाद ये इच्छा पूरी हुई है वंश के डैडी की कि आज उनको अपनी माँ के हाथ का खाना खाने के लिए मिल रहा है, राजमा, स्पेशली राजमा। और सब्जियां तो मिली जाती है, राजमा मम्मी जी ने कितने सालों बाद बनाया है, आज कुछ ऐसा हुआ जो कई सालों बाद हुआ है। तो जस्ट वेट एंड वॉच कि कैसा बनाया है मम्मी जी ने राजमा। और सब सब्जियां तो मम्मी जी बना ही लेती हैं, बनाती ही रहती हैं, बट राजमा काफ़ी टाइम बाद बनाया होगा। सो दिखाती हूँ फिर आपको मैं राजमा कैसा, और लुक वाइज ही पता लग जाएगा कैसा है। तो ये है मम्मी जी के हाथ का राजमा, यम्मी। और ये है दही, चावल इसके अंदर है, मम्मी जी के हाथ के राइस, ये है मम्मी जी के हाथ के राइस। और बस अब हम लोग डिनर एंजॉय करेंगे। पर खा रहे खाना, राजमा चावल दही, मम्मी जी खा रही है पराठा भी ले रखा है मम्मी जी ने, और हम कर रहे हैं खाने को एंजॉय।
अब हम आ चुके हैं घर पे और ये है ख्वाहिश। ख्वाहिश को आ रहा है गुस्सा, ख्वाहिश को चाहिए फ़ोन, जो कि बहुत गलत आदत है बच्चों के अंदर से फ़ोन। मेरे को ख्वाहिश को बिल्कुल आदत छुड़ानी है, जो वो ज़्यादा फ़ोन चलाती है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गई है कि फ़ोन चलाना। वंश उनमें से नहीं है, वंश बहुत ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाता है, बट ख्वाहिश इज़ वेरी वेरी नॉटी और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। मेरे को उसकी वो आदत ख़त्म करनी है और ये बहुत ज़्यादा गुस्से में, इसे मैं कूल डाउन काम डाउन कर देती हूँ। सो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और हाँ बेल बटन ज़रूर दबा देना, तभी आपको नई वीडियोस का व्लॉग मिल जाएगा। सो तब तक के लिए बाय बाय।